हेलो, कैसे हो? वेलकम बैक रणजी वाले डिजिटल एकेडमी। आज अपना फिफ्थ प्रॉब्लम है, पांचवा प्रॉब्लम। अभी तक अपन ने फोर प्रॉब्लम सॉल्व किए, चार प्रॉब्लम सॉल्व किए। कोई प्रॉब्लम आया तुमको? अच्छा, अभी ये पांचवा प्रॉब्लम है। इसके बाद में अपन थोड़ा चेंज होने के लिए इकोनॉमिक्स में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पांच प्रॉब्लम होने के बाद आपको बेसिक आइडिया आ गई है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद में ये प्रॉब्लम्स भी बहुत स्टैंडर्ड थे, और उसमें कैसे एडजस्टमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे होने की वजह से काफ़ी कुछ कवर हो गया है ना। और उसके बाद में भी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब हम मिलेंगे तो और भी प्रॉब्लम देखने वाले हैं अपन, ठीक है? तब तक तुम्हारा इंटरेस्ट बनाए रहने के लिए, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार करने से बोर हो जाती है, तो वी विल स्टार्ट द इकोनॉमिक्स इसके बाद में। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है? अभी अपन पांचवे प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, फिफ्थ प्रॉब्लम। कल तक अपन ने जो प्रॉब्लम किए थे वो चार थे, नाउ फिफ्थ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर फाइव देखो अभी। मेसर्स सुदर्शन ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म। ये सब पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट है। 11 में अपन ने, याद करो, सोल ट्रेडिंग्स के देखे। सोल ट्रेडिंग मतलब सिंगल पर्सन, ये क्या है? पार्टनरशिप है। राम एंड कृष्णा शेयरिंग द प्रॉफिट 3:2। 3:2 मतलब अगर 5 रुपये प्रॉफिट हो जाता है तो 3 रुपये कौन लेगा? राम। और 2 रुपये कौन लेगा? कृष्णा। आर गेटिंग द 3 रुपीज एंड के गेटिंग द 2 रुपीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस रिपेयर फाइनल अकाउंट। दिस इज द ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2019। तीन कॉलम का बनाया, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, थ्री कॉलम्स। ओपनिंग स्टॉक 36,000, कैपिटल आर 1,60,000, के 80,000, करंट अकाउंट आर 8,000 क्रेडिट में एंड के 4,000 डेबिट में। ये हो गया नया पॉइंट, दिस इज द न्यू पॉइंट। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट व्हेन गिवन साइमल्टेनियसली, एक ही बार जब देते हैं तो अपने को जो है वो दोनों को भी कंसिडर करना पड़ता है। और ये मेथड होती है फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड मतलब क्या है? कैपिटल में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना। एडजस्टमेंट इन द सेंस नेट प्रॉफिट रहता है, बांटना पड़ता है। वो कैपिटल में अपन प्लस करते थे अभी तक के चार प्रॉब्लम में। इंटरेस्ट होता है, कमीशन होता है, सैलरी होती है, बोनस होता है, कमीशन होता है, ये सब आइटम कैपिटल में नो एडजस्ट करते हुए करंट अकाउंट में एडजस्ट करना। और बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट 1,60,000 और कृष्णा का 80,000 जैसे कि वैसे लिखना। डू नॉट एड एनीथिंग एंड डू नॉट डिडक्ट और लेस एनीथिंग, वेदर इट इज ड्रॉइंग, वेदर इट इज एडिशन टू द कैपिटल, वेदर इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेदर इट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वेदर इट इज कमीशन, वेदर इट इज बोनस, वेदर इट इज सैलरीज, वेदर इट इज वेजेस, वॉट एवर नेम यू कॉल्ड, देर विल बी नो चेंजेस इन द कैपिटल अकाउंट। देर विल बी नो चेंजेस इन द कैपिटल अकाउंट, हाउ एवर ऑल द चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन द करेंट अकाउंट। वंस अगेन, ऑल द चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन द करेंट अकाउंट। वॉट टाइप्स ऑफ चेंजेस आर अलाउड? कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लाइक वाइज ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट डिडक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में जो डिसऑनर्स है उसको ट्रीट करना पड़ता है।
तो सारी चीजें करंट अकाउंट में रजिस्टर होगी। परचेसेस 1 लाख, सेल 2 लाख 8 थाउजेंड, सेल्स पहला हेड है ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ऊपर स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, उसके बाद में परचेसेस जो है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सेल है उसके नीचे वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट्स में जो है वो सेल्स क्रेडिट सेल में जाएगा। अगर उसका कोई रिटर्न है, खास करके परचेज का रिटर्न है, सेल्स का रिटर्न है, तो वो भी उसको एडजस्ट करना पड़ता है। हाउ टू एडजस्ट, डिडक्शन करना पड़ता है उसमें, डिडक्शन। बाद में है क्रेडिटर्स 137,500, डेटर्स है 1,70,000, क्रेडिटर 41,800, बिल्स पेबल, पहले रिसीवेबल लिख लो 41,800, बिल रिसीवेबल 47,000, बिल्स पेबल 21,000, वेजेस कमीशन 1,760, 3,000, फर्नीचर 20,000, फर्नीचर 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 63,000, RDD यानी डाउटफुल डेब्ट, क्रेडिट पे होना 1,000, इन्वेस्टमेंट 10,500, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन 35,240, इंश्योरेंस 2,500, बैड डेट 500, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड 15,000, परचेस ऑन 1 जनवरी 2019, यानी अभी 3 महीने पहले परचेस किया इसको, 3 महीने अपन ने इस्तेमाल किया है गवर्नमेंट बॉन्ड को। अब देखिए एडजस्टमेंट, केवल 6 एडजस्टमेंट है। पहला तो स्टॉक है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा 38,000, एक और 3 में जाएगा ये, और बाद में जैसे ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में। सेकेंड एडजस्टमेंट है, राम अलाउड सैलरी 6,000, कृष्णा कमीशन 3% और नेट सेल। देखो कृष्णा ने अगर सेल कर दिया मुझे माल, उसको 3% सेल्स के कमीशन मिलेगा, और राम जो है उसको सैलरी मिलेगी। तो देखो इन्होंने ये खुद डिसाइड किया है कि हमें सैलरी मिलेंगी या हमें और किसी प्रकार का रिमुनरेशन मिलेगा, कभी अनाज के फॉर्म में मिलता है, कभी घर किराए से देते हुए और देते हैं, कभी गाड़ी देते हैं, कभी कुछ ना कुछ फैसिलिटी देते हैं। रेमुनरेशन जरूरी नहीं कि मॉनिटरी फॉर्म में रहेगी, उसका बेनिफिट भी तुम्हें ऐड करके दिखाया जाता है। हाँ नेक्स्ट है, थर्ड नंबर, कैपिटल पे इंटरेस्ट है 5%। फोर्थ, प्लांट एंड मशीनरी पे
5% डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट, 3000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल, 3000 रुपए हमारे ग्राहकों से वसूल नहीं हो पाए, ये थोड़ी कैटेगरी कैसी रहती है? डेप्ट के जैसा ट्रेस करना पड़ता है। और लास्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस फाइनेंसिंग। प्रीपेड मतलब क्या है? जैसे मैं प्रीपेड वाउचर्स खरीदते हैं, कितना भी होने के बाद पहले स्टोर किया हुआ पैसा रहता है। देख लिया क्लियरली? चेंजेस में अब देखो, इस एडजस्टमेंट्स में से कौन सी एडजस्टमेंट ऐसी है कि जो अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे? सबको पता है पहली एडजस्टमेंट हम ट्रेडिंग में लेंगे, और पहले में लेने क्या है? हाँ, ठीक है, ये हो गया ट्रायल बैलेंस, ये हो गया एडजस्टमेंट्स। अब इसका सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन के पहले एक बार वापस से ट्रायल बैलेंस पे नजर मारो, उस पे से बन जाता है। ना उसी एक में क्या किया जाता है? एक मतलब क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलवेज क्या किया जाता है पता है तुमको? हमेशा हमेशा के लिए ओपनिंग स्टॉक, खरीदा हुआ माल, बेचा हुआ माल, माल मतलब गुड्स, उसके बाद में कुछ छोटी मोटी एरिया में रहा है वो आगे धीरे धीरे सबसे कंप्यूटर पे वो चीज़ है हो सकती है। अब एक नंबर किसको इशू देना है? हाँ, अभी है ओपनिंग, उसको एक नंबर दे दो, ये मेरा कर्सर है वहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक एक नंबर। सेकेंड करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वो भी नहीं आता, सिर्फ ओपनिंग को एक नंबर दे दो। परचेसेस एंड सेल्स, ये भी एक नंबर ही पूरा है। हाँ, परचेस एंड सेल्स। कमीशन, ये सेकेंड में जाता कमीशन। और हाँ, वेजेस, देख रहे अच्छे से? अब देखो एक नंबर में क्या किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक जाएगा, परचेसेस एंड सेल, और ये हिडन एडजस्टमेंट है ना अपने 12% गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन एडजस्टमेंट भी देख लिया तुमने आराम से। अब ट्रेडिंग अकाउंट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में सिलेक्टेड रह जाता है ना ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स, वेजेस, है ना? दीज आर द सिलेक्टेड आइटम्स।
प्रैक्टिस से आ जाता है, ऐसा कोई बहुत कठिन नहीं, लाखों लोग सीख चुके, तुम भी सीख जाओगे। अब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके ग्रॉस प्रॉफिट अब जो 2 नंबर के सारे केस हैं, कमीशन, सैलरी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीपेड था, प्रीपेड मतलब हमेशा माइनस करना, लेस करना, उस लोगों के तो सॉल्व करके भी हो गए, पर मेरा काम है एक्सपर्ट को सर्विस देना, जैसे सबके हिसाब से अपन राम सैलरी, कमीशन टू कृष्णा, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, आरडी, आरडी तो नहीं समझते ना, ओल्ड पहले ट्रायल बैलेंस के लेना, जैसे ये 3,500 लिए, ठीक ब्रो। यस ठीक है, अब आ जाओ बैलेंस शीट पे, रहे वाले सारे के सारे जो हेड्स है, जितने भी हेड्स बाकी थे, अब देखो ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट का विचार मत करो, बैलेंस शीट में हर एक एडजस्टमेंट जाएंगी अप्रोक्सीमेटली 95% के ऊपर के एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में आती है। अब ट्रायल बैलेंस में देखो, सॉरी, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये दोनों बैलेंस शीट के आइटम है, पर जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो अपन करंट में डालेंगे, इसलिए आज करंट अकाउंट बनेगा आपका, रोज क्या बन रहा था, कैपिटल अकाउंट, तो टुडे करंट अकाउंट डिफरेंट है। अब 1 नंबर जो जो थे वो तो गए, कट हो गए, अब 2 और 3, 2 भी गए, 3 रह गए, तो देखो कैपिटल अकाउंट डाल दो, करंट अकाउंट डाल दो बैलेंस शीट में, करंट अकाउंट स्पेशली बनाना है अपने को, इसलिए करंट अकाउंट नहीं डालना, करंट अकाउंट स्पेशली बनाना है, और छोटी मोटी गलतियां होने दो, गलती होने से अपने हो जाता, बाद में डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बिल रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, नाउ सीधा बैलेंस शीट, सीधा बैलेंस शीट में जाओ, देखो थोड़ा टेक्निकल एरर आती कभी भी, अब है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देखो आराम से, बस हो गया, अभी बैलेंस शीट के बाद बैठने की आदत नहीं है ना तुम्हारे को एक जगह, अभी तो घर पे है, मस्त नाश्ता करते करते कॉल कर रहे होंगे, चलो बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019। अब देखो कैपिटल अकाउंट जैसे के वैसे लिया, आप देखो इसमें जितने अमाउंट थे उतनी ले लिया अपन ने, 160 और हाँ 80,
ये देखो ले लिया अपन ने, करंट अकाउंट में चेंजेस किए। करंट अकाउंट में क्या चेंजेस किए ये देखो, बैलेंस इसका 8,000 रुपये क्रेडिट में था और बैलेंस इसका डेबिट में था 4,000 रुपये। कृष्णा हैविंग द डेबिट बैलेंस ऑफ 4,000, राम हैविंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8,000। फिर अपन ने क्या किया, उसको सैलरी दिया 6,000। ये सैलरी की दूसरी एंट्री कहाँ हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये कमीशन, उसकी दूसरी एंट्री कहाँ हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये इंटरेस्ट दे दिया, ये भी अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला। उसके बाद में ये प्रॉफिट एंड लॉस वो भी अपन ने यहाँ पे डाला है, ये प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इधर का जितना भी प्रॉफिट आया है। ये एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस उन्होंने क्या कर दिया है, इक्वल ले लिया है। होना क्या चाहिए था वहां पे, 3:2 होना चाहिए था। इन्होंने टेक्स्ट बुक की गलती है, मैंने जानबूझ के इसलिए सुधारी नहीं किया, अपन टेक्स्ट बुक के हिसाब से ले रहे। प्रॉफिट कैसे डिवाइड किया है उन्होंने, इक्वल किया है। देखो इक्वल मतलब 35,500 इसको एंड 35,500 उसको, ये दोनों को इक्वल दिया है ना, दोनों को इक्वल ले दिए। और प्रॉब्लम में इंस्ट्रक्शन क्या दिया था, 3:2 करो करके, 3:2 करो। ये इंटरेस्ट भी एडजस्टमेंट के हिसाब से है, कमीशन सैलरी। ये देखो इसकी दूसरी एंट्री अपन ने वहां पे क्रेडिट पे किया है, इसका डेबिट उसका क्रेडिट। कहाँ पे डेबिट में किया, क्रेडिट में किया इधर। ये देखो ये 6,000 वहां पे डेबिट है, ये 6,000 पीएनएल में डेबिट है, ये दोनों भी डेबिट है वहां पे, ये भी डेबिट है। अब देखो कैपिटल और बैलेंस शीट में, कैपिटल और करंट अकाउंट डालने के बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल डालना, वो सिंपल है। देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब क्रेडिटर्स का कजिन भाई है डेटर्स, तो डेटर्स में से देखो 1,73,500 माइनस बैड डेट 3,000 अपन ने ले लिया है। बैड डेट 47,000, क्लाइंट एंड मशीनरी। देखो बच्चों इस पे डेप्रिसिएशन है, जिससे डायरेक्ट स्क्रीन देखी होंगी, स्क्रीन पे बाद में फर्नीचर कोई डेप्रिसिएशन नहीं, इन्वेस्टमेंट कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। लोन एंड एडवांसेस 35,240, क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट से दिए हैं, एंड गवर्नमेंट बॉन्ड वहां से पड़े हैं, लेकिन वो परचेज कब किए थे आपको याद है, 3 महीने पहले 1 जनवरी को लिए थे ना, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकाला बच्चों इस पे। हाँ जो भी अमाउंट है 15,000, 15,000, उस पे कितना है 12%, 12% वहां पे दिए है, तो 12% कितना होता है 1,800। अभी 1,800 पूरे साल भर का है, तो 1,800 को डिवाइडेड बाय 12 करो और मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 3/12 वो 450 होता है। नहीं तो डायरेक्ट भी निकाला तो चलता, 15,000 × कितने दिन हो गए, वो 3 महीने पकड़ने पड़ेंगे और उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 15,000 पे इंटरेस्ट अपन ने प्लस करके दिखाया है, 15,450। प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग कैश नहीं है उसमें, क्लोजिंग बैंक है नहीं है उसमें। ठीक है देखो अभी ये अपना पांचवा प्रॉब्लम हो गया बच्चों, है ना, सारी टीम के सपोर्ट से मैं कर रहा हूँ, है ना। इसमें कैसा है कि और कोई सजेशन सुझाव होंगे तो
तो आप मेरे को फोन करके या मैसेज पर्सनल इस पे डालो। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने लगाओ। जो तुम फ्रेंड्स को लिंक देते हो उनको भी बोलो कि यहाँ पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाओ। कह रहे थे अपन मेहनत कर रहे हैं तो सब फायदा होना चाहिए ना, तुम्हारे को फायदा हो रहा है, मेरे को कोई पैसे तो देने वाला नहीं है उस पे, पर फिर भी सब्सक्राइब कर लिया तो अपनी पॉपुलैरिटी रहती है उसमें। और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट क्या करना है आप बताओ, हमारे को पॉसिबल होंगे तो हम ऐसे इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्योंकि कैसा है कि हम कोई ऐसे एकदम टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, सब अभी जमा जमा के कर रहे हैं, और ये काहे के लिए, ओनली फॉर कि टाइम वेस्ट ना हो अपना और लिंक बनाए रखे। कोई ऐसा नहीं कर रहा है, यवतमाल में भी हम साइंस क्लासेस भी देखे कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है, कॉमर्स में भी कोई क्लासेस ऐसे नहीं कर रहे। अपन इसलिए कर रहे हैं कि उसमें तुम्हारा फायदा हो, और फायदा होने के लिए हम और अच्छे तरीके से कैसे करें, जो पॉसिबल है तो हम करेंगे, नहीं पॉसिबल है तो नहीं करेंगे। लेकिन आप इसको सिंसियरली ईमानदारी से करते रहो सो डैट अपनी लिंक बनाए रहे। लॉकडाउन बढ़ भी गया 10-15 दिन और, तो भी हम लॉस में नहीं रहेंगे, पढ़ाई के लॉस में नहीं रहेंगे। मैं भले ही लॉस में रहूंगा पर आप पढ़ाई के लॉस में नहीं रहेंगे। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।